केंद्रीय कपड़ा मंत्री, संचार मंत्री और राज्यसभा के उप सभापति रह चुके रामनिवास मिर्धा की आज जयंती है। नागौर के कुचेरा में जन्मे रामनिवास मिर्धा ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एक रिपोर्ट देखिए आप। रामनिवास मिर्धा ने अपनी कार्यशैली से देश के राजनीतिक पटल पर एक अलग पहचान बनाई। स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा राजस्थान की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश और देश की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले रामनिवास मिर्धा ने कई संवैधानिक और सामाजिक पदों को सुशोभित किया है। उनका जीवन एक व्यक्तित्व की पाठशाला है, अनुभव की यूनिवर्सिटी है, समाज सेवा की मिसाल है। रामनिवास मिर्धा का जन्म 24 अगस्त 1924 को नागौर के कुचेरा गाँव में हुआ। जोधपुर रियासत के पुलिस महानिरीक्षक बलदेव राम मिर्धा के घर उनका जन्म हुआ। रामनिवास मिर्धा की पत्नी का नाम इंदिरा मिर्धा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली, जिनेवा के ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से भी शिक्षा प्राप्त की। 1953 में राज्य सेवा के पद से इस्तीफा देकर जायल क्षेत्र से उपचुनाव जीता। 13 नवंबर 1954 से मार्च 1957 तक सुखाड़िया मंत्रिमंडल में मंत्री रही। 1957 में लाडनू और 1962 में नागौर से फिर विधायक चुने गए। 25 मार्च 1957 से 2 मई 1967 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1970 में पहली बार इंदिरा गांधी सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। 1977 तक नागरिक आपूर्ति एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रहे। 1977 से 1980 तक राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। 1983 में सिंचाई राज्य मंत्री और 1984 में विदेश राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया। राजीव गांधी सरकार में वस्त्र मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1984 में पहली बार नागौर से लोकसभा सांसद बने। 1991 में मध्यावधि चुनाव में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए। कई वर्षों तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। यूनाइटेड नेशंस में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। 1993 से 1997 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी रहे। रामनिवास मिर्धा न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता के लिए भी काफी लोकप्रिय थे। वे पानी की एक एक बूंद का महत्व समझते थे और लोगों को भी इसका महत्व समझाने में उनकी तत्परता देखने लायक थी। अपने बेमिसाल जीवन में उन्होंने समाज, प्रदेश और देश की कई रूपों में सेवा की। रामनिवास मिर्धा आज भी विचार बनकर, शब्द बनकर, शिक्षा बनकर, प्रेरणा बनकर हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।